हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे v = u + at का जो डेरिवेशन हमारा थ्री मेथोड से हमने कैसा करेंगे। तो एक जनरल मेथोड है, मींस कॉमन मेथोड हम उसको बोल सकते हैं, वेलासिटी मेथोड करके भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन मेथोड। नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल मेथोड। सो ये थ्री मेथोड से हमने v = u + at करके हमने प्रूव करना है। सो क्या है हमारा डेरिवेशन है, फर्स्ट डेरिवेशन दैट इज v = u + at करके हमारा प्रूव करना है, राइट। तो हमने v = a + at करके प्रूव करने से पहले हमने कुछ हमको जानकारी रहना चाहिए, हम लोग को क्या क्या हमारा होना चाहिए। इट इज एन इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम टी। ये बॉडी जो है कोई भी एक बॉडी है, हमने वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे जा रहा है और आफ्टर टाइम टी का कितना पे है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग का क्या हुआ, हम लोग कोई भी अगर बॉडी मीन्स हमारा कंसिडर ये बॉडी having a rectilinear motion, right, and moves with initial velocity, राइट। इनिशियल वेलोसिटी से हमने स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल ए, राइट, आफ्टर टाइम टी इट मूव्स विथ फाइनल वेलासिटी कैपिटल वी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल। सो यहां पे हमने देखते कंसिडर ए बॉडी मूविंग ए रेक्टिलिनियर मोशन एंड मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, आफ्टर टाइम टी इट मूव्स विथ ए फाइनल वेलोसिटी वी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ये जो हमारा पैराग्राफ है, कोई भी हमारा डेरिवेशन को पहले लिखना है, कोई भी मेथोड है, जनरल मेथोड हो, कॉमन मेथोड हो, अगर हमारा कैलकुलस मेथोड हो, कोई भी मेथोड में हम लोग सबसे पहले इसको लिखना है। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, कोई भी हमारा पास में बॉडी है वो रेक्टिलिनियर मोशन पे जा रहा है, वो सम वेलासिटी से जा रहा है, दैट इज इनिशियल वेलासिटी यू है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का लेके जा रहा है, आफ्टर टाइम टी कुछ समय का बाद इट मूव्स विथ द फाइनल वेलासिटी वी, उसका बाद कुछ समय के बाद में उसका वेलासिटी चेंज हो गया है, वो वेलासिटी है हमारा वी, कैपिटल वी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये। सो व्हेन यूनिफॉर्म हमारा, इसमें भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसमें भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, राइट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो चलते हम लोग डेरिवेशन को पास में हमने ले जाएंगे, डेरिवेशन को पहले हम लोग फिल करेंगे। सो राइट, सो डेरिवेशन को हमने पहले से फिलफिल करना है। सो एक्चुअली हमारे डेरिवेशन को फुलफिल करने से पहले हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट क्या हमारा पता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारा क्या है, चेंज इन वेलासिटी बाय टाइम।
चेंज इन वेलासिटी बाय टाइम। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन माने हमारा चेंज इन वेलासिटी बाय टाइम। हम लोग ने भी ऑनलाइन क्लासेस में भी देखे है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी वी कॉल्ड एज ए एक्सेलरेशन राइट। सो लेट अस सी हमें क्या होगा। ये टी को इधर कर देते हैं, ए टी वी माइनस यू राइट, फिर वी इज इक्वल टू हमारा यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस मेथोड को हमने कह सकते हैं जनरल मेथोड करके कह सकते हैं, जनरल मेथोड राइट, जनरल मेथोड करके कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके हमने इसको कहा। तो अभी हमने इसको हम लोग चेक करेंगे कि हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो यहां पे हमने देखते हैं, यहां पे व्हाट इज u, इनिशियल वेलासिटी राइट, ऊपर में हम लोग किए है कैपिटल v माने फाइनल वेलासिटी, ये माने एक्सेलरेशन, ये माने एक्सेलरेशन, टी माने हमारा टाइम, टी माने हमारा टाइम। सो ये मेथोड हमने जनरल मेथोड करके कह सकते हैं। हमको इस मेथोड में याद करना है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, देन ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके हम लोग को याद करना है। ये है हमारा एक जनरल मेथोड यूज करके। नेक्स्ट हमने कैलकुलस मेथोड यूज करके कैसे करेंगे, कैलकुलस मेथोड यूज करके हम लोग कैसे करेंगे, कैलकुलस मेथोड और डिफरेंशिएशन मेथोड भी बोलते हैं, कैलकुलस मेथोड करके भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इस पे हम लोग देखेंगे कैलकुलस मेथोड में हम लोग को क्या करना है राइट। सो सबसे पहले कैलकुलस मेथोड में हमको ये जानना है, कैलकुलस मेथोड में हम लोग को कैलकुलस मेथोड में हमारा ये जानना है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारा डी वी बाई डी टी। अगर डेरिवेटिव से में बताते हैं हमने द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी, डी वी मीन्स हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी राइट, डी वी राइट, डी वी बाई डी टी। सो ये डी टी इज इक्वल टू हमारा डी वी है। सो वे डी वी इज इक्वल टू हमने ए इंटू डी टी लिख सकते हैं राइट। सो नाउ वी विल अप्लाई द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो यहां पे हमने इंटीग्रेटिंग कर रहा है। सो इस टाइम में जब इंटीग्रेटिंग करेंगे वेलासिटी को, इनिशियल वेलासिटी फाइनल वेलासिटी से हमने करते, यहां पे जब टाइम को करते हैं जीरो टू टी को हमने करते राइट, ए इंटू डी टी, ए इज द कॉन्स्टेंट टर्म हियर, हियर ए इज हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है। तो यहां पे हमारा यू वी है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा हमारा, बचेगा हमारा कौन सा है यहां पे राइट, यहां पे हमने सिंप्लीफिकेशन लिखना है तो u इज इक्वल टू वी इंटू डी वी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो इंटू टी इंटू डी टी राइट, राइट इज इक्वल टू जीरो इंटू डी टी। तो यहां पे हमने बात करते, यहां पे हम बात करेंगे तो u, यहां पे हमने इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाए, इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहां पे बचेगा कौन, v इज इक्वल टू हमारा u v हो जाएगा, इनिशियल वेलासिटी फाइनल वेलासिटी इज इक्वल टू a इंटू हमारा t माइनस जीरो। ये फार्मूला कहां से आ गया है, तो ये फार्मूला हमारा इसमें हम लोग को पता है इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू हमारा x, इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू हमारा x होते हैं अगर 0 टू x लिमिट हम अप्लाई कर देते इसका ये। तो ये अवर स्टेप हमारा इसमें ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल v माइनस स्मॉल u प्लस a इंटू टी, v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, वेर इज इक्वल टू u प्लस
ये माइनस यू उधर जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। सो इसमें हमने क्या किया, पहले ये इजिकल डी वी बाई डी टी हमने लिखे, डी वी बाई डी टी हमने लिखे। सो ये इंटू डी टी डी वी हुआ, डी वी इजिकल टू ए इंटू डी टी हुआ। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अभी इंटीग्रेटिंग किया है हमने। सो इंटीग्रल ऑफ यू वी, जब हमने वेलासिटी का करते हैं, इनिशियल वेलासिटी फाइनल वेलासिटी करते हैं, जब टाइम का हमने लिमिट अप्लाई करते हैं जीरो टू टी, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल डेरिवेटिव हमारा कैंसिल होगा। सो इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इंटू एक्स डी एक्स का फॉर्मूला है एक्स हो सकते हैं। सो इस तरीका से हमने फॉर्मूला को आइडेंटिफाई किया, मीन्स लिमिट्स अप्लाई कर दिया। सो टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो वी माइनस यू इंटू ए टी, नेक्स्ट वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये माइनस यू उधर चला गया है, दैट इज हमारा प्लस यू। ये हमारा कैलकुलस मेथोड से हमने प्रूव किया, राइट। यहाँ पे हमने जनरल मेथोड से प्रूव किया, राइट, जनरल मेथोड से प्रूव किया हमने, कैलकुलस मेथोड से हमने प्रूव किया। तो हमने बचा है ग्राफिकल मेथोड, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ग्राफिकल मेथोड, राइट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ग्राफिकल मेथोड से हम लोग को करना है, ग्राफिकल राइट। ग्राफिकल मेथोड में सबसे पहले हमने ग्राफिकल करते हैं, ग्राफिकल पिक्चर हमने करेंगे, उसके बाद हमने डेरिवेशन पे जाएंगे। तो हमने ग्राफिकल पिक्चर में हमने करेंगे, तो ग्राफिकल पिक्चर तो हमने करते राइट, ये वेलासिटी वर्सेस टाइम, वेलासिटी वर्सेस टाइम राइट, वेलासिटी वर्सेस टाइम। तो यहां पे हमारा वेलासिटी वेरिएबल है, मीन्स यहां पे हमारा इनिशियल वेलासिटी है, यहां पे हमारा फाइनल वेलासिटी है, मीन्स वेलासिटी वेरिएबल इट इज नॉट फ्रॉम द जीरो, राइट। यहां पे हमने अप्लाई करके देखेंगे, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, राइट। यहां पे हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये हमारा एक ट्रायंगल भी हमारा बना हुआ है, राइट। एक रेक्टेंगल, एक हमारा ट्रायंगल, इसको हमने U करके कहा, ये इसको हमने V करके हमने इसको कहा, सब कुछ कुछ सिंबल्स हमने इसको देते हैं, इसको वो हमारा C D B E ये, राइट, ये बी सी, नेक्स्ट हमारा डी ई। अगर कोई भी पॉइंट्स अपने एबीसीडीज में, कोई भी पॉइंट्स या नंबर में आप दे सकते हैं, वो ऐसा कोई ये नियम नहीं। सो कोई भी हमारा वेरिएबल वेलासिटी से हमारा जा रहा है, सो यहां से हमारा यू है, ये हमारा फाइनल वेलासिटी है वी है। तो यहां से ये व्यू है, यहां से ये क्या होगा, ये हमारा वी माइनस यू होगा, ये हमारा टाइम टाइम टी, राइट, इट इज एन एक्स एक्सिस, इट इज एन ए वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस करके कहेंगे, उसको हमने वाई एक्सिस करके हमने इसको कहेंगे, राइट। सो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, तो लेट अस सी, लेट अस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ये वो इज इक्वल टू डी सी, ये वो इज इक्वल टू डी सी, ये वो इज इक्वल टू डी सी, दैट इज यू, राइट, ये वो डी सी दैट इज इक्वल टू यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, ई वो नेक्स्ट बी सी है, दैट इज बी, ई वो बी सी दैट इज हमारा वी, हमारा वी है। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस करेंगे वो सी इज इक्वल टू ए डी, वो सी इज इक्वल टू हमारा
दैट इज हमारा टाइम टी, राइट, तो मेरा टाइम टी। सो अगर हमने हमने अगर एक हमने लेंगे एक साइड साइड से हमने करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू हमारा बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस बी सी होगा। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी प्लस बी सी। वॉट इज बी सी, बी सी इज हमारा वी, बी डी पता नहीं क्या है, लेकिन बी सी इज इक्वल टू हमारा यू, बी सी इज इक्वल टू हमारा क्या है यू, बी सी इज इक्वल टू हमारा बी सी इज इक्वल टू यू, सॉरी दिट इज नॉट वी माइनस यू, राइट, बी डी वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू करके हमने इसको कहा है। नेक्स्ट हमने और थोड़ा सा आगे में जाएंगे, वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू करके हमने कहा है। सो बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। सो यहां पे बी डी इज इक्वल टू हमने वी माइनस यू करके हमने इसको एक्सेप्ट, यहां पे हमने बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू करके हमने इसको एक्सेप्ट, राइट। सो बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी माइनस यू करके हमने इसको कर सके। तो लेट अस हमने डिस्कस करेंगे जनरली क्या है हमारा चेंज इन, वी नो दैट वेलासिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलासिटी माइनस टाइम, चेंज इन वेलासिटी बाय टाइम, राइट। ये मैंने हम ऐसे लिख सकता है चेंज इन वेलासिटी बाय टाइम। सो चेंज इन वेलासिटी कहां पे आ रहा है, ये हमारा चेंज इन वेलासिटी है, माने बी डी बाय हमारा टाइम टी। वेयर इज बी डी, वी माइनस यू बाय टी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये, राइट। सो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय वी माइनस यू, वेयर वी इज इक्वल टू हमारा, वेयर यू वी इज इक्वल टू हमारा यू प्लस ए टी, वेयर यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, राइट। तो यहां पे हमने देख सकेंगे हम लोग क्या क्या हमने किया है, यहां पे हमने क्या क्या किया है ये हम लोग ने देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक एंगल एक इनिशियल वेलासिटी पे बना, एक हमारा फाइनल वेलासिटी से बना। सो ए वो इज इक्वल टू डी सी दैट इज यू, नेक्स्ट यू वो इज इक्वल टू बी सी दैट इज वी, ओ सी ए डी दैट इज टाइम टी। सो बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी, बी सी माने क्या है हमारा वी हो सके, बी डी इज अननोन, डी सी इज हमारा यू। तो बी डी इज इक्वल टू हमारा वी माइनस यू, वी माइनस यू, वी नो दैट, ये एक वैल्यू हमने फाइंड आउट किया दैट इज वी माइनस यू करके। तो नेक्स्ट वी नो दैट ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू चेंज इन वेलासिटी बाय टाइम दैट इज बी डी बाय टाइम। सो देन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, देन ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, इट इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये माइनस यू इधर में आ गया तो यू प्लस ए टी हो गया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके हमने इसको कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए में कर सकते हैं। सो ये एग्जाम में ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन ने हमारा, शो दैट वी इज इक्वल टू हमारा v इज इक्वल टू हमारा u प्लस ए टी बाय कैलकुलस में, तो ऐसा हमने पूछते हैं, नहीं तो ग्राफिकल मेथड
नहीं तो सिंपली हम लोग पूछेगा शो दैट वी वी इज इक्वल टू ए प्लस एट। आप उस टाइम में कैलकुलस मेथोड यूज कर सकते हो, ग्राफिकल मेथोड यूज कर सकते हो, कोई भी मेथोड यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे डेरिवेशन है बाई थ्री मेथोड्स हमने यूज करके किया है। तो पहले मेथोड ये है हमारा जनरल मेथोड, जनरल मेथोड यूज करके किया। नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल मेथोड यूज करके हमने किया। नेक्स्ट हमारा कैलकुलस मेथोड भी यूज करके हमने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल मेथोड भी यूज करके हम लोग ने फाइंड आउट किया, ग्राफिकल मेथोड भी यूज करके हम लोग ने फाइंड आउट किया। सो ये थ्री मेथोड्स यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट किया है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी हमने डेरिवेशन करना है तो इस तरीका से आप लोग ने प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम्स में आप लोग के लिए अच्छा रहता है। ये हमारा डेरिवेशन आप लोग ने घर पे अच्छे से कीजिएगा, तब हम लोग ने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।